नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है 5 मई 2023 को। चंद्र ग्रहण पर 12 साल के बाद मेष राशि में चतुर्ग्रही योग बन रहा है, तो मई में लगने वाला ये चंद्र ग्रहण चार राशियों के लिए थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेंगी, लेकिन बाकी राशियों के लिए अच्छी है। कुछ राशियां बहुत लकी रहेंगी, तो चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, 5 मई 2023 को पहला चंद्र ग्रहण है और इस चंद्र ग्रहण पर 12 साल के बाद मेष राशि में सूर्य, बुध, देवगुरु बृहस्पति और राहु का चतुर्ग्रही योग है। ये उपछाया चंद्र ग्रहण तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में लग रहा है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। धार्मिक दृष्टि में चंद्र ग्रहण को बहुत अशुभ माना गया है, क्योंकि साल का पहला चंद्र ग्रहण है तो कुछ राशियों पर अच्छा प्रभाव भी डालेगा और कुछ के लिए बहुत अशुभ रहेगा। तो कौन सी राशि रहेंगी लकी और किन्हें करना होगा थोड़ा स्ट्रगल, आज हम यही जानेंगे। लेकिन उसके पहले एक और बात जान लें, समय क्या है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा है जिसको हम बुध पूर्णिमा भी कहते हैं, और ये जो चंद्र ग्रहण है रात 8:45 पर शुरू होगा और देर रात 1 बजे समाप्त होगा। ये ग्रहण का असर सभी राशियों पर तो पड़ेगा, लेकिन इसका टाइम क्या है। देखिए, चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, जिसमें कई सारे कार्य वर्जित होते हैं। अब देखिए, भारत में दिखाई नहीं देगा तो भारत में सूतक भी मान्य नहीं होगा। तो चंद्र ग्रहण का असर लेकिन सभी राशियों पर पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 राशियों के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेगा, 4 राशियों के लिए थोड़ा सा गड़बड़ है और बाकी राशियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो शुरुआत करेंगे हम मेष राशि से। मेष राशि वालों, आपके लिए चूँकि ये ग्रहण तुला राशि में लग रहा है और चंद्रमा केतु की युति बन रही है, चंद्रमा की जो पहली दृष्टि है वो मेष राशि पर है, तो ऐसे में मेष राशि वालों के लिए ग्रहण का जो आपके ऊपर प्रभाव है ये कहता है कि थोड़ा सावधानी रखना होगा। खासकर धन के मामलों में आर्थिक तौर पर कोई फैसला लेना चाहते हैं अगले 15 दिन तक सोच विचार कर फैसला लीजिएगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है और इससे थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी है, राहत पाने के लिए नमः शिवाय का खूब जप कीजिएगा। वृषभ राशि, आपके लिए यह ग्रहण धन के मामलों में परिवर्तन लाने वाला होगा, यानी या तो आकस्मिक रूप से खर्चा करवाएगा और या फिर आपको कहीं पर ऐसे जगह आपको फंस सकता है पैसा जहाँ आप चाहते ही नहीं थे। तो अपने संसाधनों को बुद्धिमानी से प्रबंधन या प्रबंधित करने की आवश्यकता होगी। आपको किसी पर ज़्यादा भरोसा न करके खुद पर भरोसा करना है। धन को कैसे आपको बढ़ाना है ये आपके ऊपर पूरी तरह से है। जो मिथुन वाले हैं, देखिए ये ग्रहण संचार के चीज़ों में व्यवधान पैदा करेगा, जिससे थोड़ी बहुत गलतफहमी हो सकती है, स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन आप अपने शब्दों और कार्यों के प्रति थोड़ा अगर सचेत रहते हैं, संभल के रहते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। वैसे तो देखिए, नौकरी बदलने की योजना बना रही है तो आपको मिलेगी, नौकरी करने प्राप्त करने के तैयार यानी कि चाहत रखते हैं तो प्राप्त होगी, पदोन्नति होगी, वेतन बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति बढ़िया होंगी, विदेश यात्रा के अवसर मिलेंगे और शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए भी बढ़िया है। जो कर्क वाले हैं उनके लिए ये ग्रहण, देखिए सबसे पहली बात ये कि ये ग्रहण घर के वातावरण में परिवर्तन या थोड़ा बहुत व्यवधान लाएगा, तो अनुकूल होने और भावनात्मक संतुलन खोजने की आवश्यकता होगी। थोड़ा सा खुद पर ध्यान दीजिए, ये ग्रहण आपके लिए बहुत अच्छा नहीं, इसलिए नमः शिवाय का खूब जप कीजिएगा ताकि चीज़ें स्थिर हो सके, आपके पक्ष में आ सके, आप सही तरीके से सही मैनेज कर सकें चीज़ों को। नमः शिवाय का खूब याद जप करना है आपको, याद रखिएगा। और जो सिंह वाले हैं, चूँकि यहाँ पर सकारात्मक परिणाम देगा ये ग्रहण और इस समय मानसिक रूप से पूजा पाठ आध्यात्मिक मामलों में व्यस्त रहेंगे, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और साथ ही इसमें कोई अदालती अगर फैसला है वो आपके पक्ष में आएगा, वाद विवाद, लेकिन इन चीज़ों से दूर रहें। सरकारी नौकरी या फिर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता पाने के लिए आपको और मेहनत करना है, याद रखिए।
वैसे ये ग्रहण आपके शौक में बदलाव लाएगा, कलात्मक चीज़ों की तरफ रुचि देगा, सुख समृद्धि देने वाला होगा ये ग्रहण आपके लिए। तो कहने का तात्पर्य सिंह वालों के लिए ग्रहण उत्तम है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। लेकिन हाँ, आप ग्रहण के वक्त नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। कन्या राशि, देखिए आपके जो लाइफ स्टाइल है ना उसमें बदलाव लाएगा, आपका जो स्वास्थ्य है उसमें बदलाव लाएगा। तो आप अपने ऊपर ध्यान दें, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, बेवजह की चीज़ों में इन्वॉल्व मत होइए। आप दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से करें, ग्रहण के समय नमः शिवाय का खूब जप करें, क्योंकि ये ग्रहण जो है ना थोड़ा सा आपको ये कहता है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, खुद की भलाई के लिए पहले सोचें, तब जाकर राहत मिलेगी, तब जाकर चीज़ें आपके हक में आएंगी और स्थिर रहेगी। इस बात को आपको समझना होगा। तो आपके लिए ये ग्रहण एवरेज है। जो तुला वाले हैं, चंद्र ग्रहण रिश्तों में थोड़ा बहुत बदलाव या व्यवधान ला सकता है। अब दूसरों के साथ बातचीत में थोड़ा संतुलन रखना है, सामंजस्य स्थापित करना है और स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर लाइफ में कोई संघर्ष है तो कूटनीतिक तरीके से चीज़ों को आपको बेहतर करना होगा। सरल, जरूरत से ज़्यादा सरल बनेंगे तो फिर टेंशन में आएंगे, इसलिए आपको बुद्धि यूज करना है। अगर आप लेन देन करते हैं तो आर्थिक हानि होगी। अगले 15 दिन संभल कर रहें, किसी को धन उधार ना दें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। जो वृश्चिक वाले हैं, आपके लिए ग्रहण बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा, पैसा, प्यार, परिवार, नौकरी, हर क्षेत्र में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो आपको हर जगह नज़रें बनाए रखना है, यानी कि धन किसी को उधार नहीं देना, धन बचा कर रखें, जरूरत ज़्यादा खर्च ना करें। प्यार अगर है, आप लव रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर थोड़ा संभल के बोलिए, हर जगह निगाहें खुली रखें। और नौकरी के मामलों में भी आप इस समय शांत रहें, वैसे धर्म कार्य में मन लगाएं, धर्म स्थान पर जाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि जो मुश्किलें हैं वो कम हो जाएगी आपके लिए। अब देखिए धनु वालों की बात करते हैं, तो ग्रहण जो है यात्रा योजनाओं या फिर विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक गतिविधि में बदलाव लाएगा। नए और प्रत्याशित तरीकों से आपको कुछ व्यापक बनाने के लिए प्रेरित करेगा, यानी कुछ नए तरीकों से चीज़ों को आप चाहेंगे प्रयोग करना और वो आपको सफलता की तरफ भी ले जाएगा। दूसरी तरफ आत्मविश्वास बढ़ेगा और करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे आपके लिए ये ग्रहण, हालांकि अच्छा है। इनकम के स्रोत भी बढ़ते हुए आपके लिए दिखेंगे। इस समय कुछ दिनों तक धैर्य से काम लेना है और व्यावसायिक यात्रा वगैरह से बचना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मकर वालों, आपके लिए उन्नति के रास्ते खोलेगा, धन की बरसात करवाएगा, आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका जो समाज में सम्मान बढ़ेगा, आपके काम से लोग आपको पहचानेंगे, यानी चीज़ें बिल्कुल आपके पक्ष में दिख रही है। लेकिन पेशेवर जीवन में थोड़ा बहुत बदलाव व्यवधान आ सकता है। करियर के मामलों में आपको थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना होगा, सजग रहना होगा। वैसे धन ऐश्वर्य को बढ़ाएगा ये ग्रहण, और नया वाहन, मकान खरीदने के योग बनेंगे। धन वैभव सफलता दे रहा है ग्रहण, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, करियर में भी भरपूर आपको फायदा होगा। जो कुंभ वाले हैं उनके लिए ग्रहण कैसा रहेगा? देखिए कुंभ वालों, आपके लिए रिश्तों में थोड़ा बहुत व्यवधान ला सकता है। अपनी साझेदारी के भीतर स्वतंत्रता, व्यक्तित्व की तलाश करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यानी कि अगर आप समझदारी दिखाते हैं, आपके जो आप कुंभ वाले होते हैं वो स्वतंत्र मिजाज के होते हैं, ऐसे में आप स्वतंत्र रहना चाहेंगे। लेकिन हर जगह नज़रें भी बनाए रखना है, कौन क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, करना वही है जो आपके मन में है, लेकिन हर जगह नज़रें बनाए रखें। हालांकि लाभकारी बदलाव होंगे, पारिवारिक संबंध बढ़िया है। मीन वालों, आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, कहीं से ऐसा कोई न्यूज मिल सकता है जो आपके टेंशन को बढ़ा दे। माँ बच्चे के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, परिवार में यहाँ पर खासकर अपनी माँ का, आपके जो बच्चे हैं उनका। और इस समय देखिए आर्थिक लाभ भी होगा, धन संबंधी समस्या दूर होगी, करियर के मामलों में एक नई दिशा मिल सकती है, पुराने मित्रों से मुलाकात होने के योग है, यहाँ तक कि हर कार्य में सफलता भी मिलने की आपके लिए संभावना बनी हुई है। लेकिन आपका जो एक वृत्ति है ना कि लोगों पर भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं, भावनात्मक तौर पर जल्दी से आप किसी के भी बातों में आ जाते हैं, तो इसका आपको ख्याल रखना होगा और अंतर आत्मा की आवाज़ सुनकर ही काम करें, आगे बढ़ें, तो वही आपकी भलाई के लिए अच्छा होगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।